हेलो दोस्तों, आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 5 इंडियन खिलाड़ी को ऑफिशियली गुड बाय बोल दिया है। तो कौन सा है वो 5 खिलाड़ी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा और उन 5 खिलाड़ी के बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से रिलेटेड ट्रांसफर अपडेट, रूमर वगैरह जानने के लिए मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट एफसी ने गोलकीपर अरिंदम भट्टाचार्य, इमरान खान, मशहूर शरीफ, गुरजिंदर कुमार और प्रभात लाकरा को जो है ऑफिशियली गुड बाय बोल दिया है। तो इन 5 खिलाड़ी के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, इन सब के प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट एफसी में कैसा परफॉर्मेंस किया उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करता है। तो फर्स्ट बात करता है किंग खान यानी अपने इमरान खान के बारे में। तो इमरान खान को अभी नॉर्थ ईस्ट एफसी ने गुड बाय बोल दिया है। तो इमरान खान अभी नेक्स्ट सीजन नॉर्थ ईस्ट एफसी में कंटिन्यू नहीं करेंगे और इन्होंने नॉर्थ ईस्ट एफसी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए पहले भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, मतलब पिछले सीजन भी ये नॉर्थ ईस्ट एफसी में खेल रहे थे और इस सीजन उनको ज़्यादा गेम टाइम भी नहीं मिला। तो अभी नॉर्थ ईस्ट एफसी ने इनको ऑफिशियली गुड बाय बोल दिया है। तो इनके प्रोफाइल के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो इमरान खान जो है गाइस हमारा इंडिया से बिलोंग करते हैं और 28 ईयर्स के एक ओल्ड यंग खिलाड़ी है हमारे इमरान खान। ये लेफ्ट विंगर के पोजीशन में खेलते हैं और अभी ये नेक्स्ट सीजन किसी दूसरे क्लब में खेलेंगे और जमशेदपुर एफसी जो है गाइस इनको लेके मतलब इंटरेस्ट दिखा रहा है। और इमरान खान जो है गाइस नॉर्थ ईस्ट के अलावा गोकुलम केरला, नेरोका एफसी, मोहन बगान और एफसी गोवा में भी अपना परफॉर्मेंस दिखा चुका है। तो बहुत अच्छा खिलाड़ी था नहीं, मतलब अभी है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में नहीं खेलेंगे। तो अभी देखते हैं कौन सा क्लब में खेलते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं अरिंदम भट्टाचार्य के बारे में। तो बहुत उम्मीद के सारे अरिंदम भट्टाचार्य को जो है इस नॉर्थ ईस्ट में लाया गया था, लेकिन जितना उम्मीद के सारे नॉर्थ ईस्ट में उनको लाया गया था उतना मतलब कर नहीं पाया, मतलब उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया अरिंदम भट्टाचार्य ने। तो अभी नॉर्थ ईस्ट एफसी ने जो है अरिंदम भट्टाचार्य को भी ऑफिशियली गुड बाय बोल दिया है। तो अरिंदम भट्टाचार्य अभी दूसरे क्लब में खेलेंगे। तो इनके प्रोफाइल के बारे में आपको जरा बता देता हूँ। तो अरिंदम भट्टाचार्य जो गाइस एक गोलकीपर के पोजीशन में खेलता है और ये जो है इंडिया से बिलोंग करते हैं और इनके एज के बारे में बात किया जाए तो गाइस ये 33 इयर्स के एक। तो अरिंदम भट्टाचार्य गाइस नॉर्थ ईस्ट के अलावा एटीके मोहन बगान, बेंगलुरु एफसी, ईस्ट बंगाल एफसी और मुंबई सिटी एफसी में भी अपना परफॉर्मेंस दिखा चुका है। तो अरिंदम जो है गाइस एक बहुत ही अच्छा गोलकीपर है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने उतना खास परफॉर्मेंस नहीं किया है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट के मैनेजमेंट ने इनको भी गुड बाय बोल दिया है। तो उसके बाद आता है गुरजिंदर कुमार। तो नॉर्थ ईस्ट के मैनेजमेंट ने गुरजिंदर कुमार को भी गाइस ऑफिशियली गुड बाय बोल दिया है और गुरजिंदर कुमार ने नॉर्थ ईस्ट एफसी में अच्छा परफॉर्मेंस किया। पिछले सीजन उनको उतना खास मतलब गेम टाइम नहीं मिला, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था इन्होंने नॉर्थ ईस्ट एफसी में। तो बात करते हैं गुरजिंदर कुमार के प्रोफाइल के बारे में। तो ये जो है गाइस इंडिया से बिलोंग करता है, 32 ईयर्स के एक ये यंग खिलाड़ी है और गाइस इनके पोजीशन के बारे में बात करें तो ये लेफ्ट बैक के पोजीशन में खेलता है। तो हमारे गुरजिंदर पाजी जो है गाइस बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट ने जो है गाइस इनको भी गुड बाय बोल दिया है। तो अभी ये नेक्स्ट सीजन दूसरे क्लब में खेलेंगे हमारे गुरजिंदर कुमार। नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ मोहन बगान और पुणे एफसी के साथ भी खेला था हमारा गुरजिंदर कुमार। तो गुरजिंदर कुमार ने इस सीजन 11 मैचेस खेला, उसमें से एक असिस्ट है उनके नाम में और इस सीजन मतलब उनको सब्सटीट्यूट के रूप में ही खेला गया था, मतलब ज़्यादातर सब्सटीट्यूट के रूप में। तो उसके बाद आता है प्रभात लाकरा। तो प्रभात लाकरा एक अच्छा खिलाड़ी है, इन्होंने पहले नॉर्थ ईस्ट में अच्छा खेला था, जब मतलब नॉर्थ ईस्ट सेमीफाइनल में गए थे तब इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था नॉर्थ ईस्ट एफसी में, लेकिन पिछले सीजन जो है गाइस इंजर्ड हो गए थे इसलिए मतलब मैचेस खेल नहीं पाए ये मतलब प्रभात लाकरा। तो अभी जो है नॉर्थ ईस्ट एफसी ने इनको जो है गुड बाय कर दिया है। तो प्रभात लाकरा पहले अच्छा खेलता था नॉर्थ ईस्ट एफसी में, अभी किसी दूसरे क्लब में खेलेंगे। तो इनके प्रोफाइल के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो प्रभात लाकरा 25 इयर्स के एक यंग खिलाड़ी है और एक जगह हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं और इनके पोजीशन के बारे में बात किया जाए तो ये लेफ्ट बैक के पोजीशन में खेलता है हमारा मतलब प्रभात लाकरा। तो अभी नेक्स्ट सीजन हमारे नॉर्थ ईस्ट में कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लिस्ट में इनका भी नाम है, मतलब इनको भी नॉर्थ ईस्ट ने ऑफिशियली गुड बाय कर दिया है प्रभात लाकरा को। तो उसके बाद आता है मशहूर शरीफ। तो मशहूर शरीफ ने नॉर्थ ईस्ट में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं किया है और पिछले सीजन सिर्फ ये 8 मैचेस खेला नॉर्थ ईस्ट एफसी में मशहूर शरीफ। तो अभी मशहूर शरीफ को भी नॉर्थ ईस्ट एफसी ने जो है गुड बाय बोल दिया है और अभी जो है गाइस ये विदाउट क्लब है और गाइस एफसी गोवा जो है गाइस इनको लेके इंटरेस्ट दिखा रहा है मशहूर शरीफ को लेके। तो देखते हैं एफसी गोवा इनको साइन करता है कि नहीं। और इनके प्रोफाइल के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ मशहूर शरीफ के प्रोफाइल के बारे में। सो गाइस मशहूर शरीफ जो है गाइस 30 इयर्स के एक यंग खिलाड़ी है और इनका कंट्री जो है गाइस हमारा इंडिया है। तो ये जो है गाइस सेंटर बैक के पोजीशन में खेलता है। तो अभी एफसी गोवा जो है इनको लेके बातचीत करता है, लेकिन देखते हैं गाइस इनको साइन करते हैं कि नहीं। और गाइस नॉर्थ ईस्ट एफसी जो है गाइस इसी वीक में कुछ खिलाड़ी को साइन करने वाला है और ये अपडेट जो है गाइस मार्कोस मार्कलाओ सर ने दिया था। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको नॉर्थ ईस्ट एफसी से रिलेटेड ट्रांसफर अपडेट वगैरह जानने के लिए मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।